नमस्कार, न्यूज 11 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। आज बॉलीवुड मसाला में हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर रणवीर सिंह के साथ शादी कर अपनी नई फिल्म छपाक की शूटिंग शुरू की थी, जिसकी शूटिंग आज खत्म हो गई है। दीपिका पादुकोण ने अपनी आगामी फिल्म छपाक की शूटिंग पूरी कर ली है। यह फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। दीपिका ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। इस पोस्ट के साथ दीपिका ने एक तस्वीर को भी साझा किया, जिसमें फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स उस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए कैद करते नजर आए। दीपिका के पति और अभिनेता रणवीर सिंह ने इस फिल्म के प्रति अपने उत्साह को व्यक्त करते हुए लिखा कि इस मैजिक के गवाह बनने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। अपने किरदार के बारे में दीपिका ने पहले कहा था कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और यह सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए उम्मीद करती हूँ कि इससे अच्छी चीजें निकल कर आएंगी। दीपिका पादुकोण इस फिल्म से किस प्रकार इमोशनल जुड़ गई हैं, वो एक रिपोर्ट ने बताया हमें। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका सेट पर पहले दिन ही स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रो पड़ी थी। ये उस वक्त हुआ था जब फिल्मकार से बातचीत के दौरान वो भावुक हो गई थी। छपाक की शूटिंग मुख्यतः दिल्ली और मुंबई में हुई है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस फिल्म में दीपिका के साथ विक्रांत मेसी भी हैं, जिन्होंने हाल में ही मिर्जापुर में अपने किरदार से काफी तारीफें बटोरी थी। अब ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कितनी सक्सेसफुल होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही, और तमाम बॉलीवुड की ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।